हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं मेरे हाथ में इस टाइम जो है रोमा का जो है 8 मॉडल प्लेट, पिंटा का 8 मॉडल प्लेट प्लस एक्सल का 8 मॉडल प्लेट, 3 साइज का ये प्लेट पड़ा हुआ है। तो अब मैं आज आपको बताऊंगा कि जो है कौन से कंपनी की स्विच कौन से कंपनी के प्लेट पर लगेगा, किस कंपनी की स्विच किस कंपनी के प्लेट पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि जो है तमाम मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर जो है मुझे कमेंट करके जो है बताते हैं या पूछते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो मुझे बना दीजिए, तो वैसे ही एक हमारे जो है व्यूअर हैं जो है समर सैम नाम है उनका, उन्होंने जो है मतलब इसके बारे में पूछा था कि भैया जो है मतलब प्लेट किसी और कंपनी का है, स्विच किसी और कंपनी का है, तो क्या उस पर जो है लग जाएगा, उस प्लेट पर वो स्विच लग जाएगी या नहीं लगेगा। तो मैं उनको बताया कि मतलब कुछ पे लग जाता है कुछ पे नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा भैया थोड़ा वीडियो बना के अच्छे समझा दीजिए। तो मैं कहा ठीक है, तो आज जो है मैं यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो शुरू से लास्ट तक देखिए और एक बार आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आप नए दुकानदार हैं, नई दुकान खोल रहे हैं और मॉडलर के बारे में अगर आपको बहुत जानकारी नहीं है तो मॉडलर के बारे में जान लेना चाहिए, नहीं तो आदमी कभी कभी होता है क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू करने से पहले हमेशा अक्सर से आज भी कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आए तो अभी नहीं, जहाँ भी पसंद आए लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो अभी जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया कि 3 कंपनी का मेरे पास प्लेट 8 मॉडल और उसी हिसाब से जो है 3 कंपनी का स्विच है, एक एक स्विच मैं निकाल लिया हूँ। अब इन तीनों को जो है मैं फाड़ता हूँ और फाड़ के जो है आपको दिखाता हूँ कि किस पे कौन सा सेट हो रहा, किस पे कौन सा नहीं सेट हो रहा और क्या कारण है उसका। तो सबसे पहले मैं रोमा से शुरुआत करता हूँ। ये रोमा की प्लेट जो है मैं निकाल लिया और ये रोमा की स्विच भी फाड़ लेते हैं। तो अब देख सकते हैं ये रोमा की स्विच है और रोमा की प्लेट है, ठीक है। इस पर तो बैठ ही जाएगा, बिल्कुल बैठेगा, ये एकदम बैठ गया, ये आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये किस पे और बैठ जाएगा और किस पे नहीं बैठेगा ये भी आपको दिखा देते हैं। उसके बाद मैं लेता हूँ पिंटा, ये भी एंकर का ही ब्रांड है, वो एंकर रोमा है, ये एंकर पिंटा है, इसको भी फाड़ते हैं। ये भी 8 मॉडल है, सेम साइज़ लिया हूँ, कोई भी साइज़ ले सकता था लेकिन मैं कहा सेम साइज़ लूँगा, कंफ्यूजन आपकी नहीं रहेगी। अब ये एंकर का ही ब्रांड पिंटा और ये एंकर का ही रोमा, अब इस पर इसको बैठाते हैं। इस पर देख सकते हैं, आपको क्लियर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं एक साइड बैठ गया और एक साइड जो है एक साइड ये ओवर जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कितना ओवर जा रहा, मतलब ये नहीं बैठेगा। अब ये क्यों नहीं बैठेगा ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। पेंटा का जो है ये स्विच नहीं, पेंटा का जो है आपका वो है ब्लैंक, ये क्योंकि स्विच इसकी थी लेकिन अब पता नहीं कहाँ रख गया, मिल नहीं रहा। देखिए इसमें ये ब्लैंक है, इसके मॉडल में मतलब ब्लैंक ऐसा नहीं है, अगर रोमा का ब्लैंक होता तो जैसा स्विच का मॉडल है वैसे ही जो ब्लैंक का भी मॉडल होता, लेकिन इन दोनों के मॉडल में देख सकते हैं काफ़ी फ़र्क है और प्लस साइज में भी जो है अंतर है। रोमा का जो है ये आपका जो है बड़ा है और ये पेंटा वाला छोटा है, ठीक है। तो अब पेंटा वाली प्लेट ये है, अब पेंटा वाली प्लेट पे इसको मान लेते हैं स्विच है, अब इसको बैठाते हैं, इसको बैठा के आपको दिखाता हूँ कि इसमें आराम से ये बैठ जाएगा। सॉरी, इसका जो है कैप निकालना पड़ेगा, जो कवर है वो निकालना पड़ेगा, पहले ये निकाल लेते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन अच्छे से समझाऊंगा कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। ये प्लेट अब निकाल लिया, अब ये स्विच लगा के दिखाता हूँ, ये देखते हैं, ये पहले रोमा की है और ये पेंटा की प्लेट, इस पर भी बैठाते हैं। इस पर देखिए बैठने के लिए तो बैठा है लेकिन सही तरीके से जो लाख के अंदर नहीं गया, बैठने के लिए देखने में बैठ गया लेकिन जो चीज़ होना चाहिए फिक्स
जो चीज़ फिक्स होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो रहा, ये हिल रहा ठीक है, मतलब देखने में लग रहा बैठा हुआ नहीं दिख रहा है, ये देखिए गैप दिख रहा है ठीक है, क्योंकि वो मॉडल ही अलग है। अब ये ब्लिंक में बैठाता हूँ, ब्लिंक देखेंगे आप कितने आराम से बैठेगा, ये आप देख सकते हैं ये बैठ गया एकदम, गैप वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा, साफ एकदम क्लियर हो गया ठीक है। अब रोमा का ही जो है स्विच मैं एक्सल वाले बैठाता हूँ, ये एक्सल जो है, अब इस पे जो है ये रोमा की स्विच ठीक, इस पे मैं बैठाता हूँ, देखिए इस पे बैठता है कि नहीं बैठता है, एकदम बराबर बैठ गया, मतलब रोमा की और एक्सल का जो है जो ये डाई है जो इसका मतलब साचा है सेम है ठीक है, मतलब कि एक्सल वाले जो है प्लेट में आराम से जो है रोमा का जो है स्विच बैठ जाएगा और रोमा वाले जो है प्लेट में एक्सल का स्विच बैठ जाएगा, तो जो सेम होगा उसमें तो जो है बैठ जाता है, लेकिन जिसकी साइज़ में फ़र्क आ जाता है डिज़ाइन में उसके फ़र्क आ जाता है, जैसा कि अभी प्लेन कहाँ गया एक मिनट, अच्छा ब्लैंक इसमें लगा हुआ, जैसा कि ये ब्लैंक आप देखें कि इसका मॉडल अलग था, इसका मॉडल अलग था, स्विच का मॉडल अलग था, इस वजह से ये जब भी बैठेगा तो सिर्फ रोमा पेंटा में बैठेगा या रोमा पेंटा के जैसे जो भी जो है प्लेट आते होंगे इस डिज़ाइन में उसमें बैठ जाएगा, बाकी किसी में नहीं बैठेगा ठीक है। तो इस तरह की जो है चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कंपनियां आती हैं जैसे कि रोमा प्लेट में जो बैठ जाते हैं जो अनब्रांड में होती हैं, अनब्रांड वाली अक्सर जो है जो भी अनब्रांड वाली चीज़ें होती हैं वो अक्सर जो है रोमा वगैरह बैठ जाती हैं, रोमा पे सिर्फ पेंटा पे नहीं, क्योंकि उसके डाई और उसके जो है प्लेट के डाई में सेम जो है साइज होता है, लेकिन दूसरे में नहीं बैठेगा। अभी पेंटा में डालूँ जो है एक्सल की स्विच नहीं बैठेगा ठीक है। अब मैं एक्सल वाली भी दिखा देता हूँ आपको रोमा में बैठा के, ये तो आपने ये एक्सल का है 20 एम्पियर स्विच, ये एक्सल की प्लेट है, इसमें रोमा को मैं बैठा ही दिया हूँ और जब एक्सल का तो बैठ ही जाएगा, तो ये रोमा की प्लेट शायद दिख नहीं रहा होगा, और रोमा प्लेट पे जो है आपका एक्सल की स्विच में बैठा रहा हूँ, सकते हैं बिल्कुल बराबर बैठ गया एकदम फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों प्लेट का आपको मैटर समझ में आ गया होगा कि मतलब रोमा वाले पे एक्सल का, एक्सल जैसे तमाम कंपनियां होती हैं, जीएमडी होता है, ग्रेटेक्स है, स्काईलैब है, मतलब इस तरह से तमाम कंपनियां आती हैं जो रोमा वाले मतलब एंकर रोमा के जो प्लेट है उस पर शेड हो जाते हैं और उनके वाले पे रोमा का भी जो शेड हो जाता है स्विच सॉकेट ठीक है। तो इसी तरह से एक कन्फ्यूज़न और उनका था कि मतलब जो मॉडलर प्लेट होता है उसमें जो मेटल बॉक्स होता है, जिस कंपनी का जो है मॉडलर प्लेट होता है उसी कंपनी का मेटल बॉक्स होना चाहिए या किसी कंपनी चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो है जिस कंपनी का जो है मॉडलर प्लेट है उस कंपनी का मेटल बॉक्स होना कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी कंपनी का मेटल बॉक्स है उस पर लग जाता है ठीक है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये किसी ब्रांड का नहीं है ठीक है, किसी ब्रांड का नहीं है, और इस पे मैं देखिए रोमा, ये पेंटा का है, ये पेंटा का मैं बैठाता हूँ, ये देख सकते हैं पेंटा का भी जो जो ये जो चार छेद दिख रहे हैं आपको सामने, मैं दो हाथ से दिखाता हूँ, ये जो चार छेद दिख रहे हैं ठीक है, अगर आपके पास मॉडलर बॉक्स होगा उस पर रख के देख लीजिएगा जो है, जो इसमें का चार स्क्रू टाइट करने के लिए दिया जगह उस पर रखिएगा सेम आएगा ठीक है। इसी तरह से जो है इसको भी रखेंगे तो ये भी सेम आएगा, ये जो प्लेट एक्स्ट्रा जा रही है तो प्लास्टर थोड़ा सा जो है प्लास्टर के ऊपर चढ़ता है तो अच्छा लगता है ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से एक्सल भी है, सारा 8 मॉडल का ही है और एकदम आराम से जो है आ जाता है, कोई मैटर नहीं होता है। तो उनकी ये भी कंफ्यूजन थी, तो मॉडलर जब कंसील बॉक्स लगाते हैं तो कोई कंपनी की ज़रूरत नहीं, किसी भी कंपनी का आप डाल सकते हैं, बस थोड़ा अच्छे क्वालिटी का ही डाला करिए ठीक है। और बाकी जो है जब प्लेट लगाने का टाइम आएगा जो भी कंपनी आपको पसंद हो, हैवेल्स, एंकर रोमा, पेंटा, जेएमडी, लोकल में या ब्रांड में जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। हाँ पेंटा में एंकर, पेंटा, एंकर रोमा और एक्सल के बारे में आपको बताया, हैवेल्स के बारे में नहीं बताया,
हैवेल्स में जो है, हैवेल्स का अभी तक मुझे कोई ऐसा स्विच नहीं मिला है जो एंकर रोमा वगैरह पे या पेंटा वगैरह बैठ जाए। उसका जो है डाई अलग ही, बिल्कुल ही अलग होता है, और हैवेल्स वाले पे सिर्फ हैवेल्स की ही स्विच सॉकेट वगैरह बैठती है, ठीक है। ये चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न रही होगी मैं दूर कर दिया, बहुत लंबी ना वीडियो बना के। अब वीडियो को यहीं जो है एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक शॉप से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक काम से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो बराबर जो है देखने के लिए, पाने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मोबाइल पे सबसे पहले आपके जो है मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जाए उसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ ये भी कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।